के इनकात की मुबारकबाद देता हूँ और सदर ये मुशायरा से इजाजत हासिल करते हुए यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ कि खिजा के डर से वो सारी अदाएं भूल बैठी है। अच्छा, खिजा के डर से वो सारी अदाएं भूल बैठी है, खुले दिल से चहकना फाख्ताएं भूल बैठी है। किसी माँ का कोई बेटा मुजाहिद बन नहीं पाता, सलीका तरबियत का जब से माए भूल बैठी है। किसी माँ का कोई बेटा मुजाहिद बन नहीं पाता, सलीका तरबियत का जब से माए भूल बैठी है, सलीका तरबियत का जब से माए भूल बैठी है। हजरत और चार लाइन समाप्त कीजिए कि दिया बुझा के, दिया बुझा के अंधेरों में बैठ जाते हैं, दिया बुझा के अंधेरों में बैठ जाते हैं, जमीर बेच के गैरों में बैठ जाते हैं। जिन्हें बनाते हैं हम लोग रहनुमा अपना, वो हुक्मरानों के पैरों में बैठ जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने भाई जान, फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए, वाह वाह वाह। दिया बुझा के, दिल की बात है, दिया बुझा के। जी भाई शुक्रिया, शुक्रिया, पढ़ रहा हूँ, ऐसा माल बहुत है, इंशाल्लाह सुनाता हूँ आपको धीरे धीरे। दिया बुझा के अंधेरों में बैठ जाते हैं, जमीर बेच के गैरों में बैठ जाते हैं। क्या कहने, जिन्हें बनाते हैं हम लोग रहनुमा अपना, वो हुक्मरानों के पैरों में बैठ जाते हैं, वो हुक्मरानों के पैरों में बैठ जाते हैं। और हजरात ये हमारे अहद का कलमिया समाप्त कीजिए कि खुदा के, बाबा जी देखें खुदा के अता कीजिए नेक बंदों पर, हजरात सुने, खुदा के नेक बंदों पर हुकूमत कर रहा हूँ मैं, खुदा के नेक बंदों पर हुकूमत कर रहा हूँ मैं। हजरात ये समाप्त कीजिए बस जी, खुदा के नेक बंदों पर हुकूमत कर रहा हूँ मैं, इबादत गाह में आकर हिमाकत कर रहा हूँ मैं। वजू में फर्ज है कितने नहीं मालूम है मुझको, मगर बरसों से मस्जिद की सदारत कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। क्या कहने, अल्तमस तालिब साहेब, आपके जज्बात और आपके नतीजाए फिक्र में जो सच्चाइयां पोशीदा हैं उनके लिए जी, फिर पढ़िए। खुदा के नेक बंदों पर, शेर को फिर से पढ़िए उसी शेर को, खुदा के नेक बंदों पर हुकूमत कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इबादत गाह में आकर हिमाकत कर रहा हूँ मैं। वजू में फर्ज है कितने नहीं मालूम है मुझको, मगर बरसों से मस्जिद की सदारत कर रहा हूँ। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह, अक्सरियत इमामों की है यहाँ, इसलिए आपको दाद मिल रही है जी। और हजरत इसी कबील का और चार लाइन समाप्त कीजिए कि यही यही रोना है हम सबका, हमें इज्जत नहीं मिलती। यही रोना है हम सबका, हमें यही रोना है हम सबका, हमें इज्जत नहीं मिलती। कहीं भी मिस्र के बाजार से कीमत नहीं मिलती, वो नेताओं के दर पे दिन में 25 बार जाते हैं, मगर पांचों नमाजों की उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। क्या कहने, क्या, वो नेताओं के दर पे दिन में 25 बार जाते हैं, मगर पांचों नमाजों की उन्हें फुर्सत नहीं मिलती, मगर पांचों नमाजों की उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। और हजरत ये चार लाइन समाप्त कीजिए कि तशद्दुद जुल्म और नफरत के आदि हो नहीं सकते। अच्छा, तशद्दुद जुल्म और नफरत के आदि हो नहीं सकते, नबी को मानने वाले फसादी हो नहीं सकते। तशद्दुद जुल्म और नफरत के आदि हो नहीं सकते, नबी को मानने वाले फसादी हो नहीं सकते। हमारा दीन तो इंसानियत का दर्श देता है, हमारी कौम में आतंकवादी हो नहीं सकते। जी भाई पढ़ रहा हूँ, फिर से पढ़े, आ रहा है, फिर से पढ़े, कश्मीर का शहर। क्या कहने, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, बाबा जी ने हर कहने, क्या कहूंगा नहीं। तशद्दुद जुल्म और नफरत के आदि हो नहीं सकते,
तशद्दुद जुल्म और नफरत के आदि हो नहीं सकते। हजरत में ये चार लाइन इसलिए पढ़ा कि मुझे याद है ये मौलाना अंसार कासमी साहब का शहर है, ये हजरत। और मौलाना अंसार कासमी साहब नांदेड़ आए थे, उनसे मुलाकात का शर्फ भी हासिल हुआ था, तो उनकी याद आ गई, मैंने ये चार लाइन पढ़ लिया। तशद्दुद जुल्म और नफरत के आदि हो नहीं सकते, नबी को मानने वाले फसादी हो नहीं सकते, हमारा दीन तो इंसानियत का दर्श देता है, हमारी कौम में आतंकवादी हो नहीं सकते, हमारी कौम में आतंकवादी। और दोस्तों सीटी नहीं, सीटी मत मारिए भाई। दोस्तों असल में ऐसे शेर पढ़ने पे लोग ये कहते हैं कि खराब शायरी हो, दोस्तों खराब शायरी नहीं है, ये हमारे दिल के जज्बात है। हमको जब बेगुना गिरफ्तार किया जाएगा तो हम बोलेंगे, कम से कम बोलेंगे। और हजरत इसी कबील के चार लाइन समाप्त कीजिए कि सियासी भेड़ी है इंसानियत का दम निकालेंगे। हजरत ये हमारे अहद की सच्चाई है। आज अल्तमश तालिब बोल रहा है, आप साथ दीजिए, अगर आपको पसंद आए तो आप अपनी दुआओं से नवाजिए कि सियासी भेड़िए इंसानियत का दम निकालेंगे, सियासी भेड़िए इंसानियत का दम निकालेंगे, मोहब्बत के कुएं से नफरतों का सम निकालेंगे, जहां राशन भी रखने की नहीं होती है गुंजाइश, मगर ये एटीएस वाले वहां से बम निकालेंगे। मगर ये एटीएस वाले वहां से बम निकालेंगे, मगर ये एटीएस वाले वहां से बम निकालेंगे। और हजरत एक हमारे, मैं एक इशारे किनारे में एक बात कहूंगा, आप समझ जाएंगे कि दिखावे के लिए जाना तेरा बेकार जाता है, दिखावे के लिए जाना तेरा बेकार जाता है, सदाकत सर उठाती है तो झूठा हार जाता है, भला इंसाफ क्या देगा हमारी माओ बहनों को जो खुद की माँ से मिलने साल में एक बार जाता है। दिखावे के लिए जाना तेरा बेकार जाता है, गला ना फट जाए जरा आहिस्ता। दिखावे के लिए जाना तेरा बेकार जाता है, सदाकत सर उठाती है तो झूठा हार जाता है, सदाकत सर उठाती है तो झूठा हार जाता है, भला इंसाफ क्या देगा हमारी माओ बहनों को जो खुद की माँ से मिलने साल में एक बार जाता है, जो खुद की माँ से मिलने साल में एक बार जाता है। और हजरत ये चार लाइन समाप्त कीजिए कि जाफरानी आसमां पर, देखिए बाबा जी, जाफरानी आसमां पर अबरू काले आ गए, जाफरानी आसमां पर अबरू काले आ गए, काले आ गए, अमन के मैदान में त्रिशूल भले आ गए, जाफरानी आसमां पर अबरू काले आ गए, अमन के मैदान में त्रिशूल भले आ गए, अमन के मैदान में त्रिशूल भले आ गए, मुजरिमों ने शातिराना चाल ही ऐसी चली, सुर्खियों में सिर्फ टोपी दाढ़ी वाले। मुजरिमों ने शातिराना चाल ही ऐसी चली, सुर्खियों में सिर्फ टोपी दाढ़ी वाले आ गए, सुर्खियों में सिर्फ टोपी दाढ़ी वाले आ गए। हजरत यहाँ मदरसे के बच्चे भी तशरीफ रखते हैं, मैं पढ़ता हूँ।